बहुत ही प्यारी, बहुत ही सोनी और बहुत ही सोनी आवाज वाली सिंगर मारिया था उसके लिए। और ये सॉन्ग मैंने आपको डेडिकेट करा है। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी होस्टिंग करती हैं, खूबसूरत भी हैं और आपकी आवाज भी माशाल्लाह क्या है। बस आज याद मत कराना, तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है, बिल्कुल भी नहीं गा सकूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक है? एक बार फिर से समा ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि आप लोग हमें बुलाएं, हमें जहां से ज़्यादा कॉल्स आएंगी हम वहां पर जाएंगे, वहां पर शो करेंगे और वहां पर जो आवाम के मसले हैं, वहां पर आपको जिन जिन चीज़ों का, जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हज़रात हैं, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे पूछें, हमें हम आपको नुस्खे बताएंगे। तो आज हम आ गए हैं रूफी ग्रीन सिटी में, गुलिस्तान जौहर में। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हम आपकी सोसाइटी में आके भी, हम आपकी कम्युनिटी में भी आके शो करें, तो आप हमें कॉल्स कीजिए जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा कॉल्स आएंगी। कोशिश हमारी है कि हम हर जगह जाएं, तो जैसे जैसे जहाँ से हमें ज़्यादा कॉल्स आती रहेंगी हम सबसे पहले वहाँ पे जाके शो करेंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनका आपको तारुफ कराती चलूँ। आपको मालूम है जो हमारे गेस्ट हैं आज के, वो ऐसे गेस्ट हैं क्योंकि आज मंडे है और मंडे को हमारे घर के जो समा की फैमिली मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ आपके छोटे छोटे मसलों का ज़बरदस्त बड़ा सारा सलूशन आपको देने के लिए। तो सबसे ज़्यादा तो जिनकी हमें रिक्वेस्ट आती है और जिनसे हम सबसे ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं, तो ज़ोरदार तालियों हम सबसे पहले वेलकम करेंगे डॉक्टर बिल्कीस को। और कैसी है जी आप? ठीक ठाक, आप कैसी? और टाइम पर आज आ जाने वाले, ये हिस्ट्री में लिखी जाएगी तारीख के 28 नवंबर 2016, 9:10, इनफैक्ट 9:12 हो चुके हैं, डॉक्टर खुरम टाइम पर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, और क्या चाहिए, क्या हाल है, खैरियत से आप? ठीक ठाक भैया, मैं टाइम पे 3-4 दफा रिकॉर्ड तोड़ चुका हूँ। देखो ऐसे हो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो चुका। अच्छा? आप जब दरवाजे बंद करते हैं तो आपसे दरवाजा तोड़ते हैं अंदर आने के लिए, और इसी के समाज जिस दिन हो रहा होता है ना, मुझे उससे रात को नींद नहीं आती। अच्छा? तैयारी की वजह से बस पे, और इनको जब नींद आती है शो से एग्जैक्टली घंटा पहले सो जाते हैं। ये होता है। और हमारी किचन की बहुत ही प्यारी डॉक्टर शेफ फरा को वेलकम करेंगे। और बादशाह सलामत भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम रजा इलाही हकीम साहब, हकीम रजा कहाँ है, कहाँ है?
वैसे वो यहीं से मैं उनको सुबह मिल चुकी हूँ, चाय ली रहे पी रहे थे, खरामा खरामा चाय पी रहे थे। चले ठीक है जी, आप आराम से चाय पी ले। और जो आज हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनको भी बुला लेते हैं, जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे मारिया जाहिद और अरोहा खान को। भाई हमारे सेलिब्रिटीज के लिए भी जोरदार और जोरदार तालियां होनी चाहिए ना, इतनी प्यारी लड़की मैंने भी की थी। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हो? भाई ये डॉक्टर नहीं है, किचन की डॉक्टर है। किचन की डॉक्टर? किचन वो किचन बोला था लेकिन वो थोड़ा सा स्लो बोला था, किचन की डॉक्टर। अच्छा जी, आज के क्योंकि जो आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पे, और जी बादशाह सलामत भी आ गए। बादशाह सलामत, ओए होए, चाय पी रहे थे इतनी देर हो गई, नगाड़ा बजा दे। ये तो जंगलों में ऐसी आवाज आती है। होशियार बादशाह सलामत तशरीफ ला चुके हैं। हैं कैसे मिजाज है, ठीक ठाक है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये आदाब है, ये ऐसे बादशाह सलामत है आते ना तो लगता है आते साथ शेर बताएंगे। नहीं मतलब नवाबियत ज्यादा है ना, कभी नवाब भारी हो जाता है इनके बादशाह स्टाइल। तारीफ कर रहे हैं हम आपकी, तारीफ कर रहे हैं हम आपकी। सही ठीक है। और जहाँ पर हमारे इतने प्यारे गेस्ट हैं, चौथी मंजिल से हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट साइमा भी हमारे साथ है। साइमा वेव कर दो ऊपर से। हम मतलब आपके लिए चाय और पकोड़े आने शुरू हो जाएंगे। अब पूरे हम ऐसे ही बैठे रहते हैं ना, नहीं तो वो 6-7 पकोड़े होंगे ना, एक एक खा लेंगे हम भी ढूंढ लेंगे। वो आठवीं मंजिल पे फराज, कैसे हो फराज? जल्दी नीचे आ जाओ। आठवीं मंजिल नहीं हो पर मुझे क्या बता दूं, आप पता नहीं किस पर चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्कीस, आज हम क्या लेकर आए हैं रूफी से ग्रीन सिटी वालों के लिए? बड़ा मसला है कि बाल को कलर करना है लेकिन डाई एलर्जी है, तो क्या करें? क्या बाल हमेशा के लिए सफेद रहने दें और या बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं? अच्छा बिल्कुल, एक चीज ऐड कर दूं, अक्सर हम ऐसा कलर लगाते हैं जिससे हमारे बाल व्हाइट होने लग जाते हैं। ये बिल्कुल, आज मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा नेचुरल डाई बनाना बताऊंगी जो बहुत ही सेफ है और कोई टाइम नहीं लगता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और आप लगा सकते। अच्छा एक मसला ये, अच्छा दूसरा बहुत बड़ा मसला गंजपन का है, वो ट्रीट कैसे करें अलग बात है, इंस्टेंट कैसे छुपाएं? हाँ। उसको छुपाएं कैसे? अब जा रहे हैं शाम में सारा गंजा है और हेयर टॉपिक के नाम से जो मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव, वो हर कोई नहीं ले सकता। तो आज आप घर में अपना हेयर टॉपिक बना के रख लेंगे जिसके दो फायदे होंगे, एक तो उससे आपको एलर्जी नहीं होगी, बास को हेयर टॉपिक से एलर्जी होती है, आंखों में सब इचिंग होती है, रह जाए तो उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन हेयर टॉपिक एक अलग चीज है। तो आज मैं आपको वो बनाना बताऊंगी जिससे आपके बाल आ भी सकते हैं, आपके गंज पे वो रहेगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। जबरदस्त, क्योंकि अच्छा अब की सपा ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि टॉपिक जब लगा के जब उसको बाल वॉश करना चाहते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बाल गिर जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, जिसको कवर करने के लिए टॉपिक लगा रहे होते हैं तो वो और बाल ले और गिर जाते हैं। तो फिर मैं नेचुरल हेयर टॉपिक घर में आप कैसे बनाएं और अपने पैसे बचाएं, नेचुरल डाई, वो डाई जो आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके सामने सारी चीजें तैयार है ना, आप लोग अपने बाल आज घर के टोटके से काले करने के लिए। ये चीज मैं ये दो चीजें बताऊंगी। जबरदस्त जबरदस्त जी, डॉक्टर खुरम जी, वैसे तो आप इतनी छुट्टियों के बाद आप आए हैं। जी बढ़िया, जी 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 जी, आप ये दो दिन कोकाफ गए हुए थे? जी जी कोकाफ में रहा था, तो मैं कोकाफ की मिट्टी से एक बड़ी फेरेस्टीन है, बड़ी सिंपल है, जो आपको इतनी सी 8,000 की मिलती है वो आप शायद 100 रुपए के अंदर इतनी सारी बनाएंगे। अच्छा अब आप ले जाना, फिर इंशाल्लाह आप यहाँ नजर नहीं आएंगी। आप परी बन जाएंगे तो परियों की देश चली जाएगी। अच्छा और सेकंड चीज, एक बड़ा अच्छा एक 5 तेलों का मिक्सचर है, उससे एक तो देखिए बालों के लिए तो डेफिनेटली वो है कि आपके बाल बड़े घने से आ लंबे करेगा, दूसरा आपके छोटे बच्चे होते हैं, अम्माएं बड़ी परेशान थी कौन से तेल से मालिश करें कि जी बच्चे इधर सर्दी आ रही है, स्किन ड्राई हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों पे लगाएं। थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट, उसे खूब मालिश करने से एक अम्माएं चाहती है ना 2 महीने का बच्चा 6 फिट का नजर आए, तो 6 फिट का तो नहीं होगा, हाँ वो उसकी हाइट और उसमें ज़रा बड़ा एक खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा। बहुत अच्छे तेल है बालों के लिए, आईब्रोज के लिए, आईलैशेस के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए। यानी कि अगर आपकी पार्लर वाली आपकी आईब्रोज करती भी आपकी आईब्रोज उड़ा दे तो वो तेल आपकी आईब्रोज आईब्रोज आईलैशेस में भी लगाएं, बड़ी बड़ी आपकी पलकें आपको लगे ना बड़ी अच्छी लगे तो वो बिल्कुल हो जाए फौरन। सही ठीक है भाई,
बादशाह सलामत। हाँ, आज हम बताएंगे हर्बल की वो मैजिक फार्मूले बताएंगे जिससे वाकई लोगों को बहुत जल्द फायदा होगा। जो लोग ये कहते हैं कि हर्बल की मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हर्बल में बहुत मैजिक फार्मूले हैं, बहुत जल्द काम करने वाले हैं। इनमें से एक चीज़ है जैसे हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट होगी एक, उससे फौरी तौर पे रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में। और एक एक्टिव ब्यूटी मास्क बनाएंगे जिससे जो है वो आपको मिलेगी निखरी उजली उजालो सी रंगत। मुझे लगता है आप इश्तहार भी लिखते हैं, उजालो सी रंगत। शेफ फरा क्या लेकर आएंगे? अच्छा, मैं वो ब्लीच क्रीम बनाना बताऊंगी। ब्लीच क्रीम तो हर घर की जरूरत है, हर खवातीन की जरूरत है। हम चाहते हैं हमारे जो फेस पर ये ब्लैक हेयर है वो भी सही हो जाए, क्योंकि मसला क्या होता है कि स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, चलती नहीं है, एलर्जी हो जाती है। मैं टोटल आपको नेचुरल ब्लीच क्रीम बनाना बताऊंगी और यही रिजल्ट बताऊंगी। एक हाथ पे अप्लाई करके आप दूसरे हाथ का आप रिजल्ट देखेंगे और आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। ना आपको एलर्जी होगी, ना रैशेज होगी। आपके हाथों पर बताऊंगी, ऑडियंस में भी करूंगी 2-3 हाथों पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अप्लाई करूंगी और बहुत अच्छी ये ब्लीच क्रीम है, आपके सारे मसाइल का हल हो जाएगा। कि इसके अब आप तकरीबन 12 साल की बच्ची को भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एलर्जी नहीं। छाइयां पड़ जाती हैं अगर ब्लीच क्रीम ज्यादा देर की लगाए तो, छाइयां पड़ जाती हैं, हमारे स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं वहाँ पर। कुछ भी नहीं होगा, नेचुरल होगा। आपकी अपनी बनी हुई ब्लीच क्रीम आप अपने आप को लगाएं और फिर देखिए आप कितने गोरे गोरे खूबसूरत, और आपके सारे बाल जो है वो गोल्डन भी हो जाते हैं। अच्छा मारिया, आप मुझे बताएं कि आप कितना यकीन रखती हैं टोटकों पे और जो नुस्खों पे, देसी जो नुस्खे होते हैं करके? साथ साथ और अब ये है कि पहले था कि लोग घरों के चीजें होम रेमेडीज पे इतना बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब जब से वापस आ रहे तो मैं तो बड़ी फॉन्डी हूँ इन चीज़ों की। हाँ बिल्कुल, बहुत करती हूँ क्योंकि मेरा तो सारा काम ही शूटिंग्स पे होता है, तो सारे बाल खत्म हो चुके हैं। तो जो मेरे खत्म हुए कि वो अंडा लगा लिया और वो टमाटर अपने स्किन पे लगा लिए, तो जिसकी वजह से आपको जरूरत है, आपकी खूबसूरती का ख्याल रखना है, आपके घर के अंदर मौजूद है, बहुत सस्ता, सबसे ज्यादा ये कि आपके पॉकेट पे कोई भी वजन नहीं पड़ता और फिर बहुत सस्ता इलाज। फिर आपको टेंशन नहीं होती कि आपको कोई नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो डॉक्टर बिल्कीस हम शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज हम बिल्कीस से बात कर रहे हैं, वो मैं डाई बनाना बता देती हूँ, दोनों साथ साथ रख। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आइए, तब तक आप बैठ जाइए जी, जब तक डाई नहीं बनता। बिल्कीस से पापा की जो टीम की हमारे से लड़कियाँ यहाँ पर भी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, और ये हमारे पहले भी आज तो आ चुकी हुई हैं, आज एक और हमारे साथ आई हैं। और अच्छा, मैंने क्या किया था कि रात को इनको भिगो दिया था, क्योंकि अब ये है कि मैं सब बता देती हूँ क्या चीज़ें हैं, ले लेती हूँ उसमें हर चीज़ बता देती हूँ। ठीक है, निकालिए अपना मोबाइल और जाके इसके कैमरे की ऑप्शन पे जाइए, वीडियो पे जाइए और वीडियो बनाना शुरू कर दे, क्योंकि बिल्कीस आपा आज हमें बता रही है कि किस तरह से घर में हम डाई बना सकते हैं। और वो खवातीन और वो मर्द हजरात जो कि टॉपिक लगाते हैं, तो आपके लिए इंस्टेंट टॉपिक बनाने का भी सलूशन आज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि वही बात कि महंगा बहुत है मार्केट में जी, बहुत, और आम बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप देखिए बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं, लेकिन वो अपने बालों को बर्बाद करने के बिल्कुल तो क्यों रिस्क लिया जाए भाई, बालों से इंसान की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। अच्छा देखिए, जो डाई बनाया गया है, डाई है ना, मैंने इसमें रीठा भी डाला है, रीठा कलर को हमेशा लॉक करता है। ठीक है, ये मेहंदी के पत्ते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें सिका काई है, सही है, और इसमें गेंदे के फूल है, गेंदे के फूल, हाँ गेंदे के फूल जी, सूखे हुए गेंदे के फूल हैं, और ये भांगड़ा सिया है। क्या है? भांगड़ा सिया, जी हाँ, भांगड़ा सिया, भांगड़ा सिया, हाँ। अच्छा ये कितना मिलता है उसके? भांगड़ा सिया जो है वो बाल काले करने में मानी हुई चीज है। ये क्या है? आप अपने बालों से काले तो नहीं करते? हाँ ये मैं बता देती हूँ, शदीद काले। ये अखरोट जब कच्चा होता है, फिर जब वो पक जाता है तो उसके ऊपर का ये छिलका है, इसके अंदर सख्त खोल होता है, ये उसके ऊपर का छिलका है, सही है, ये छिलका आता है, फिर उसके बाद जी उसके बाद फिर दूसरा छिलका आता है, और ये भी कलर कलर बहुत अच्छा कर देता है ये। और किचन की एक चीज लेंगे हम, आलू, आलू टिश्यू पेपर, सही है,
ये सब चीजें हमने ली। अगर आपके पास कलई किया हुआ तांबे का बर्तन है तो आप ये सारी चीजें कलई शुदा तांबे के बर्तन में रात को भिगो दे, चाहे तो इसमें पालक भी डाल सकते हैं। पानी दे दोगे बेटा? जी सर। इसमें आपने पानी डालकर गरम पानी डालकर अब ये चीजें आप रात भर के लिए रख दें। और फिर हाँ, इसमें अनार का छिलका भी है, मैंने अनार का छिलका इसमें डाला है, अनार का छिलका भी है, ये भी आप इसमें डालें। ठीक है, सही है, सारी चीजें डाली। चीजें जिनकी हम केयरिंग करते, परवाही नहीं करते, फेंक देते हैं। ठीक है, अब अगर देखिए इसमें मैंने हालांकि ठंडा पानी डाला, इसका कलर जो है आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने रात को कर लिया था क्योंकि सुबह मुझे रिजल्ट देना था कि आपको बताना था कि इसका रिजल्ट लगने के बाद आता कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको इतना पकाया है, इसको मजीद हमें पकाना है। इसको अब ये सब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको ब्लेंड करूंगी ब्लेंडर में डालकर, या आप पहले से ब्लेंड कर दें या ब्लेंडर में डाल के बाद में ब्लेंड कर देंगे। हाँ, हम अभी कर देंगे। ठीक है, आप सब लोगों के सामने ताकि आप लोग देख सकें। सही है। बिल्कुल जी, कितने दिनों के लिए बन रहा है ये? बस एक एप्लीकेशन के लिए। एक एप्लीकेशन के लिए? हाँ, एक एप्लीकेशन के लिए बना सकते हैं ना आप? नहीं, क्यों बना के रखेंगे, रोज बना ले, जब आपको लगाना तब आप बनाए ना। जितना ताजा बनाए, जितना ताजा बनाएंगे, ये मेरे हाथ पे कलर आ जाएगा, पता है इसका? वो मैं एग्जैक्टली देख रही हूँ। देखिए, शुरू में आपको हो सकता है हफ्ते में दो बार लगा, फिर जैसे आप डाई लगाते ऐसे आप लगाए, महीने दो महीने बाद। ठीक है, रूट्स आने लगते, रूट्स आने लगे आप लगाना शुरू करो। ठीक है, अच्छा, क्योंकि वो मेहंदी का कलर भी है तो आपके हाथ पर मेहंदी आ रही है। हाँ, और लोग अभी भी मेहंदी लगाते हैं। अच्छा, मेहंदी से एक लोग गलती करते हैं कि मेहंदी लगा के सो जाते हैं, तो क्या नहीं, 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 बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं, ठंडा हो जाता है, आपको पता है? ये दीजिए ना, इसका जी एलर्जी हो जाती है, हीना एलर्जी भी बहुत ज्यादा हो जाए ना, दिमाग की चिड़ियाने बहुत हो जाती है। ठीक है, हमने इसमें डाला है सिकाकाई, मेहंदी के पत्ते, गेंदे के फूल, भांगड़ा सिया, इसमें छोटी हड़ का पाउडर भी है और आंवला भी। अच्छा, आंवला भी। हाँ, और रीठे के छिलके, अनार के छिलके और आलू, अगर चाहे तो इसमें पालक भी डाल सकते। ठीक है, सब डाला, इसको इतना पकाया कि ये बिल्कुल इस तरह की शक्ल आ गई जैसे आपकी डाई की होती। अब ये लगेगा तो देखिए मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ कि किस तरह आपने लगाना है, अप्लाई कैसे करना। हाँ, और इसको अप्लाई करके इसका रिजल्ट भी आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट इसका नहीं आता, इसमें कोई भी केमिकल मैंने ऐड नहीं किया है। आप ये देखिए, नेचुरल चीज है, ये बनाया मैंने कॉटन का एक थैला सा बनाया ताकि इसमें से डाई निकले, सारा फोक इसमें रह जाए। अच्छा, यहाँ हम गलती करते हैं और यहाँ हम हर्बल से बचते हैं कि कौन लगाए, सर धुलता नहीं है, सारी चीजें चिपक जाती हैं क्योंकि आप तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल, ठीक है, अब देखिए मैं इसको, अब आपको लगेगा जैसे डाई निचोड़ लेना है। तमाम चीजें ना जिसके डब्बे पे इंग्लिश लिखी होती ना, हम पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी उस चीज पे ज्यादा यकीन करते हैं। इसलिए घर कोशिश करें कि घर में ही चीज बने, क्योंकि जो घर की चीज बनी है उसका रिजल्ट और है। बिल्कुल, ठीक है, अब देखिए, अब ये आपका जो निकल रहा है, आपको लग रहा है ना गाढ़ा गाढ़ा सा डाई जैसा, ये अब मैं इसको निचोड़ूंगी, सारा डाई अलग हो जाएगा। वाओ, सही है? ये अब इसको आपने इतना गाढ़ा करना है कि आपको पानी नजर नहीं आए, और जितना गाढ़ा होगा उतना आपका ऐसा लगेगा जैसे आप डाई लगा रहे हैं। ये देखिए, सारी फोक रह गई, आपको मेहनत की जरूरत नहीं हुई और आपने अपना डाई बना लिया। अब इसका हम रिजल्ट भी ले लेंगे लगाकर। ठीक है, थोड़ा सा ही ठंडा हो जाएगा तो हम इसको लगाएंगे। सही है, क्योंकि अभी तो ये घर में है, ये घर में गरम, मुझे असल में हाथ की आदत है तो मैंने अपने हाथ, नहीं नहीं ठीक है, वो हाथ से ज्यादा अच्छे तरीके से। अच्छा बंकी साहब, हमने इसको लगा के कितनी देर छोड़ना है? एक घंटा छोड़ना है। एक घंटे में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ऐसे मुझे जो है ना, मुझे इसको, मैं जो होना चाहती हूँ कि इसको थोड़ा और हम गाढ़ा कर लें।
ठीक है, जितना गाढ़ा करेंगे ना इतना अच्छा लगेगा। आपका डाई जो है आपके चेहरे पे नहीं आना चाहिए। हाँ। जैसे डाई लगता है इतना ही इसको गाढ़ा करें जैसे आप डाई लगाते हो, क्रीम की तरह की फॉर्मूला। डाई पानी से हमें धोना हुआ या शैम्पू से वॉश करें? सादे पानी से। इसमें रीठा पहले से है तो शैम्पू का वो काम कर रहा है, आपको जरूरत नहीं होगी। ओके, ये देखिए मेरे हाथ में अभी से कलर आ गया, कोई बात नहीं। मैं इसको, मुझे पता है कि मुझे इसको कल तक कैसे साफ करना है। सही। अच्छा, यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है, तो एक छोटी सी न्यूज ब्रेक के बाद हम आपके साथ। जितने भी बिलौरी आंख वाले लड़के होंगे ना, वो सारे मारी आपका इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। कि मारे कहीं मैं तो चाहती हूं कोई फिदा हो, कोई होता ही नहीं। अच्छा जी, हम रिपीट कर देते हैं कि डॉक्टर बिल्कीज जो बना रही थी, इन्होंने टॉपिक बना लिया था, लेकिन उससे पहले जो डाई जिसकी हमने एप्लीकेशन भी स्टार्ट करवा दी, डाई के लिए हमने बिल्कीज आपा क्या क्या चीजें डाली थी जी, मैं बता और सब सब याद करने जो खवातीन है लड़कियां हैं। मैंने वैसे अखरोट के ऊपर का सख्त छिलका नहीं, अखरोट के ऊपर का जो नरम छिलका होता है बाद में, पहले हरा होता है फिर वो काला हो जाता है, वो डाला है। अगर ये नहीं मिलता तो दंदासा मिल जाता है, आप दंदासा लें, लेकिन ये आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने तीन चार, अगर एक दफ़ा बनाना है तीन चार आपने अखरोट के छिलके लिए, दो से तीन रीठा आपने लाजमी लेना है, आपने इसमें आंवले का पाउडर लेना है, छोटी हड़ लेनी है, मेहंदी लेना है, सिकाकाई लेना है, भांगड़ा सिया हाँ ये लेना है, और ये जो है गेंदे के फूल, और किचन से दो चीज़ें आप ले सकते हैं, आप आलू ले सकते हैं और पालक ले सकते हैं, और अनार का छिलका वो भी डाल दिया। सही है। इनको रात भर भिगोया, सुबह या तो पहले ब्लेंड कर लें, ब्लेंड करने के बाद इसको इतना पकाएं कि वो एक क्रीम की शक्ल बन जाए। फिर इसको अच्छी तरीके से आपने कॉटन के मलमल के नहीं, कॉटन के जो एक थैला सा बना लें, बैग बना लें, उसमें डाल के अच्छी तरह निचोड़ लें, जो आपका पेस्ट आ जाए उसको आप सर पे लगाएं, शुरू में आप हफ्ते में दो बार लगाएं, और उसके बाद एक घंटा आप लगाएं।
और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम हर हफ्ते भी इसको लगा सकते हैं। अगर हाँ एक चीज है, अगर डाई एलर्जी में आपको हिना एलर्जी है, हाँ। यानी कि आपको मेहंदी से एलर्जी है, तो फिर आपको मेहंदी के पत्ते इसमें से हटा देने, ठीक है? आपको फिर मेहंदी के पत्ते सबसे ज्यादा कलर किससे आता है? मुझे बिल्कुल सापा मुझे तो लगता है कि जो मेरा स्याह से भी कलर आता है, बहुत अच्छा छिलके से भी आता है, क्योंकि इसमें आयरन मेहंदी से आती है, कभी वो कपड़ों पे भी लग जाए तो रह जाता है। अनार मैं वैसे अगर आपको बाल रेड करना है ना, अच्छा सा करना है, तो फिर क्या करें, इसको अच्छी तरह पकाएं, फिर इसमें आप अनार का जूस ऐड करें, और फिर वो लगाएं थोड़ा सा अनार और चुकंदर का जूस ऐड करें। चुकंदर चुकंदर को नहीं पकाएं, आप चुकंदर को पकाएंगे उसका कलर वलर सब खत्म। अच्छा कुछ लोग ये भी करते हैं, सही कॉफी डाल लेते हैं, चाय की पत्ती डाल, वो सही होता है? हाँ हाँ बिल्कुल सही होता है, कॉफी चाय की पत्ती सब सही होता है, लेकिन मैंने आपको हर्बल डाई बनाना बताया है, जो एक इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, कोई साइड इफेक्ट। लेकिन अगर आप कॉफी डालेंगे ना तो ब्राउनिश टोन पे चला जाएगा, बहुत अच्छा। बाजी ने जो दासा बताया वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, और साथ में हमने एप्लीकेशन भी स्टार्ट करवा दी है, जो बिल्किस आपा ने जो अभी डाई बनाया था, तो उसकी एप्लीकेशन। अच्छा, और मीनवाइल क्योंकि हम एक बड़ी ब्रेक पे चले गए थे और आज क्योंकि इम्पोर्टेंट दिन है, तो हम आपसे थोड़ा बहुत लंबा जो है वक्फा लिख रहेंगे। अच्छा, अब मैम ने टॉपिक भी बना लिया है और हमारे सामने टॉपिक बना है, तो बिल्किस आपा अच्छा मैं बता देती हूँ, बहुत आसान है, ये मर्द लोगों के लिए भी है ना, मर्द हजरात चौड़ी मांग हो जाती है उनकी, उनके लिए रहती है। आपने करना क्या, गंदुम लेना है, वैसे गंदुम और जौ का भी बनता है। आप अगर गंदुम आधा, आपने एक चम्मच गंदुम लिया, एक चम्मच आपने जौ लिया, एक चम्मच आपने इसमें लिया सौंफ, और ये है कॉटन, अब इसको जलाना है ठीक है, सब चीज़ें जलानी है आपने, सब इसको इतना जलाना है, मैं इसको बंद कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, इसको इतना जलाना है क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक में, हमने ब्रेक में ये बनाया। अब ये जो है ना, इसको राग बना लिया, अगर आपको ब्राउन बनाना है तो बहुत ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लाइट, अगर आपको ब्लैक बनाना है तो आप इसको बिल्कुल, देखिए ये सब इसमें भी आग लग जाती है, जैसे गंदुम में भी सौंफ में भी सारा जल जाता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पीस के पाउडर कर, टेलकम पाउडर की तरह पाउडर कर, और फिर किसी बॉटल में भर के रखे। अभी भी मैं इसको थोड़ा सा किसी पुरानी पाउडर की, अगर आपकी बॉटल खत्म हो गई पाउडर, तो उसके अंदर डाल के ताकि आप उसे जलाते। अच्छा, ये खवातीन के लिए भी, अगर आपको लगता है आपको फवाद खान के बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं मियाँ के, तो इसमें आपको कसूर है, क्योंकि आप उनको टॉपिक बना के नहीं दे रहे, टॉपिक बनाए अपने जो मियाँ है उनके लिए और बच्चों के लिए। ये बहुत आसान है, मैं तो हैरान हो गई हूं तीन। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना, ये इससे आपको इंशाल्लाह एलर्जी नहीं होगी, और ये आपके बाल निकालने में, क्योंकि इसी से सुरमा बनता है। इसको और अच्छा करना हो तो आप आंवला भी इसमें जला सकते, अच्छा आंवले का भी इसमें जला सकते, लेकिन अगर इंस्टेंट बनाना है तो ये टॉपिक है, मेरा काम पूरा हो गया, आप किसी और को बुला लें, जब तक जी ठंडा कर दें। जिसको बालों में टॉपिक लगवाना, जिनको लगता है बाल हल्के, तो समझ आपको लगता है बाल हल्के जहाँ से। अच्छा, टेलीफोन लाइन पे कॉलर भी हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वो खवातीन के बाल थोड़े हल्के हैं और कहीं से लगते हैं, आप लगवाना चाहेंगी? ठीक है, आप आपके बाल तो ऑलरेडी इतने काले हैं, जबरदस्त बाल हैं आपके, आप आ जाए कोई बात नहीं, आप हाँ आप चले। अच्छा, इनके भी माशाल्लाह से अच्छे बाल हैं, इनके तो अच्छे बाल हैं, आपके अच्छे बाल हैं, आप अच्छे होते हैं बाल, क्योंकि हैं हल्के बना होता है इनका, इनका आइडिंग होगा यहाँ से, तो इनके बाल चले। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है, एक कॉल तो जी बिल्कुल बिल्कुल शेफ परा के पास की बात आ रहे हैं, कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो सलाम अलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा बात कर रही हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं सादिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए आप कैसी हैं? अपनी A1 बिल्कुल ठीक, क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर बिल्किस से बात करना चाहती हूँ, आप ही उससे बात करवा दें जी, जरूर कीजिए जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, डॉक्टर बिल्किस मैंने आपसे बात करनी है जी, बोले जी। मैंने ना पूछना था कि मैंने ना, मेरी अपनियों की शादी है, तो मेरी अपनियों के लिए कोई भेज दे अपनी करीम, तीन माह मेरी तीन अपनियों की शादी है, तो मैं अपनी क्रीम दूं, आप ये कह रही हैं?
मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके चले चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। क्या कह रही है, उनकी शादी है क्या? शादी कोई क्रीम, मेरे ख्याल से आप हमको नुस्खा बता देते हैं इनको स्किन के लिए, क्योंकि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शादी है तो फिर मैं दे देती हूँ। अच्छा, शादी का सारा दे देती हूँ, ठीक है। प्लीज आप अपना जो है वो एड्रेस दे दीजिए। अच्छा मैं चाहूंगी अब शेफ फराब भी जल्दी से आप, हाँ जी 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 बिल्कुल कम्प्लीट, आ जाइए आ जाइए जी, ठीक है। अंडे की सफेदी मैं इसमें से निकालूंगी, बहुत आसान सी ये झटपट बनने वाली क्या बना रही है आप? ये व्हाइटनिंग ब्लीच बना रही हूँ, जो घर का ब्लीच है व्हाइटनिंग ब्लीच। और मारिया वैसे तो आप बड़ी खूबसूरत हैं, तो मैं चाहती हूँ कि और ब्लीच की जरूरत मुझे भी पड़े और गोरी हो जाए और हुस्न। नहीं मारिया वाकई में बहुत प्यारी है, माशाल्लाह आपकी नजरें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सर। अच्छा तो ये मैंने अंडे की सफेदी लेकिन ब्लीच आपको नहीं लगाएंगे आप, जितने भी मक्खन लगा लेंगे नहीं लगाऊंगा मेकअप मैं इनको बना के दे दूंगी। आप भी दोस्त हैं, ये भी दोस्त हैं, ये सब हमारी बहनें, सारी हमारी सहेलियां हैं, सबके लिए आप सबके लिए ब्लीच है। आपके सारे मसले ही हल हो गए कि आपको रैशेस पड़ जाते हैं या आपको जलन होने लगती है, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया और तकरीबन मैं इसमें, सर आप लोगों ने कॉपी पेंसिल निकाली सामने, आंटी ने कॉपी पेंसिल निकाल दी है नोट करने के लिए। घर और ब्लीच कैसे बनाते थे, दिस इज गुड, आप भी नोट डाउन। आसान और बहुत अच्छी ये वाली रेसिपी है। अंडे की सफेदी ले ली 1 टेबल स्पून और ये तकरीबन मेरे पास 1 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर शामिल था और ये मैंने इसमें ले लिया है। नहीं ये है अंडे की सफेदी होगी तो आपके मुंह पे थोड़ी स्मेल ना आए, तो रोजमेरी जरा सा इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। ठीक थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल करना है रोजमेरी, और मेरे पास लेमन जूस मुझे मिल जाए, लेमन जूस, ये लेमन जूस जिसे आपको पता है, हाँ, आपके जितने भी डेड स्किन होती है उसको ये काटता है, और इसको छोड़ा सा ये आपने हाफ टी स्पून क्योंकि फेस पे लगाना है तो हाफ टी स्पून। अच्छा ये मेरे पास है एलोवेरा का ये जेल है, ये आप इसमें डाल सकते हैं, रेसिपी में नहीं आ रहा होगा लेकिन ये ऑप्शन है तो आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि स्किन आपकी जो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ये भी बना ले, सब लोगों को आवाज आ रही है ना? आ रही है, तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून मेरे पास अंडे की सफेदी थी और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने डाला था और 1/2 टीस्पून मैंने लेमन जूस डाला था इसके अंदर, 2 ड्रॉप्स रोजमेरी ऑयल के डाले थे ताकि आपको स्मेल ना आए, अगर स्मेल आपको अच्छी इसकी खुशबू अच्छी लगती है तो आप ना ऐड करें। और अब मैंने इसमें एलोवेरा का जेल, रेसिपी कार्ड में नहीं आ रहा होगा लेकिन आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये, आपको नहीं डालना तो आप ना डालें। ये हमारी ब्लीच तैयार हो चुकी है, अब मैं अभी अभी अप्लाई करूंगी जी। लेमन जूस कितना? 1/2 टीस्पून ज्यादा नहीं डालना, एक हाथ में अप्लाई करूंगी और एक हाथ में नहीं करूंगी, आप रिजल्ट अभी देखेंगे। बहुत जल्दी और बहुत आसान है सारी चीजें घर के अंदर, वो खवातीन जो मैं बालकनी से देख रही फौरन उनको भी आवाज आ रही है, बनाए और लगाए फिर मुझे बताएं, कोई रैशेस नहीं होगा, कोई जलन नहीं होगी। और ये बहुत अच्छी है, फरा के फर फर फटाफट वाले, बहुत अच्छे फटाफट वाले, बहुत अच्छे, बहुत सस्ते, बहुत कारामद, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। आपने मुझे जो एक ऑयल दिया था, अच्छा लगा, तो बस इसी खुशी में आप एक तेल और शैम्पू और लें और लंबे लंबे बालों के साथ आए, थैंक यू। आपका भी चले, आपका भी, और ऑडियंस भी हमारे पास अभी भी मौजूद है, लड़कियों के, अरे भाई अभी तीनों हसीन लड़कियों के तीनों हसीन बालों का, गरीब आवाम के लिए भी, जिनके सबसे ज्यादा बाल है भी मौजूद है। अच्छा जी ये ब्लीच की एप्लीकेशन जो यहाँ पर हो रही है, मैं ऑडियंस को भी एप्लीकेशन कर देती हूँ ताकि उनका रिजल्ट भी आए, ताकि आपको ना लगे कि ये मेरी दोस्त है कुछ बेस लगा के ना आ जाए। अच्छी है स्मेल, बहुत अच्छी कॉर्नफ्लोर लेमन जूस जी, अरोहा के जो हाथ पे जो ब्लीच कर रही है वो, ठीक है। और ये कितने टाइम लगे, 2 मिनट मुश्किल से, 2 मिनट के बाद साफ कर देंगे, सही ठीक है। अच्छा तो बड़ा अच्छा है, मैं यहाँ से थोड़ी पतली हूँ तो इसलिए मैं छोटे रास्ते से जा रही हूँ, ऑडियंस को बिल्कुल जी बिल्कुल हम यहाँ पे लगाना चाहिए, थैंक यू सर आपने हमें बता दिया। अच्छा हम हकीम साहब के पास आ जाते हैं, देखते हैं कि हकीम साहब जो है आज क्या करने जा रहे हैं। चम्मच, एक चम्मच चाहिए जी, ये चम्मच का सवाल है बाबा। भाई आप तो ऐसा ना ही कहें, बादशाह सलामत, ये हुकुम पूरा करेंगे, ये लीजिए ये। अच्छा ये हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट है, इसमें हमने एलोवेरा जेल लेना है। पहले क्या क्या चीजें दरकार होंगी ताकि जो लोग हमें घरों में देख रहे हैं वो अभी से बना। अच्छा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सुहागा, खिलशुदा सुहागा लेंगे, बाजार से मिल जाता है, उसको तवे पे खिल करेंगे
पानी हो जाएगा, उसके बाद वो फूल जाएगा, पाउडर की सूरत इख्तियार करेगा, इस सूरत में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। ये लेंगे हम 3 ग्राम एलोवेरा जेल, आम मिलने वाली चीज़ है, 1 चम्मच रोगने जैतून लेंगे 20 ड्रॉप्स, दही 6 चम्मच लेंगे, लेनोलिन एक खास चीज़ होती है, लेनोलिन मोम कहलाती है, खुरम भाई जानते हैं, लेनोलिन ये है, ये हम इसमें डालेंगे 1 ग्राम। क्या होती है ये? मखसूस किस्म का एक भेड़ होता है उसकी थोड़ी ऐसी आसान है, ये एक तरह की मोम है, मोम है जैसे वैक्स है, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाती है, मिल जाती है। लेनोलिन डलेगी इसमें और आपका ये हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। और बहुत बहुत आसान है जी। इसमें हमने लिया एलोवेरा जेल, बिल्कुल एलोवेरा जेल लिया पहले हमने 1 चम्मच, ठीक है, और उसमें हमने दही डाला 4 से 6 चम्मच, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 20 ड्रॉप ऑलिव ऑयल के, जैतून का तेल, ठीक है, ठीक है। और इसमें हम सुहागर डालेंगे खिलशुदा तकरीबन 3 ग्राम, अगर 3 ग्राम से मुराद है कि अगर आपके टीस्पून जो है वो हाफ टी स्पून जो है वो तकरीबन 3 ग्राम की होगी, ठीक है। ये हमने हाँ अंडा बेहतरीन है, अंडा बेहतरीन है, लेकिन इसके हाँ दर्जी नहीं जर्दी, एक टाइम था ये बोलती नहीं थी और अब इनको आज ऐसी सवाल लड़ने के शो में गई एक दफा तो मैं खामोश हूँ, मुझे बोली बोलू ना, बोलू ना, लगाओ लगाओ तो मुझे फीस लगा। अच्छा इसमें हमने लेनोलिन डाली तकरीबन 1 ग्राम के करीब है, ये जी वैक्स, ठीक है, ये वैक्स एक तरह से। और लेनोलिन यूरोप में जितनी भी हेयर शाइनर के तौर पे जो क्रीमें वगैरह इस्तेमाल होती हैं, हेयर प्रोटीन होती हैं लिप्स के लिए, स्किन के लिए, उनमें खसूसी तौर पे डाली जाती है, ठीक है, उसका बहुत अहम जूस है। और इसमें हमने लेमन डाला 5 से 7 कतरे ड्रॉप्स, ठीक है। अच्छा इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है, इसका पेस्ट बना के ये बालों पर अप्लाई करेंगे, अभी अभी अप्लाई करेंगे और इससे इंशाल्लाह ताला 20 मिनट में बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसकी एक और खसूसियत है जी, वो ये है कि इसके लगाने के बाद आपको शैम्पू करके बाल नहीं धोने पड़ेंगे, शैम्पू करके बालों को वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही पानी में इससे झाग बनती जाएगी, आपके बाल वॉश होते जाएंगे, खुश्की और सिकरी खत्म होती जाएगी। कौन सी अप्लाई करवाना चाहेगा? अच्छा एक और सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों ने शादियों में जाना हो या आपने किसी इवेंट में जाना हो तो एंड टाइम पे जो कल रात तक आपके मुंह पे नहीं होता सुबह आपके मुंह पे एक पिंपल आ जाता है। हाँ, ये बहुत सारी खवातीन के साथ होता है, ये जो आज हमें बिल्डिंग्स में जो बैल्कनी में खड़ी खवातीन है वो भी सुन रही है, ऐसा बहुत होता है, तो उसके लिए वैसे बादशाह सलामत कोई? अच्छा इसके लिए एक आम सी चीज है, बहुत बहुत आम सी चीज है, इसको बोलते हैं माजू। अच्छा ये कोई महंगी चीज नहीं है, माजू माजू ये किस चीज? हाँ ये पंसार से मिल जाता है बहुत आसानी से, इसको पानी में आप हल्का सा निम करें, इसको आपने हल्का सा पानी में निम करना है और सिलबट्टे पे रगड़ें, रगड़ने से जो पेस्ट बनेगा वो पेस्ट आपने एक्नीस पे लगाना है। अच्छा वो जैसे ही एक्नी पे लगाएंगे तकरीबन आधे घंटे के बाद एक्नी गायब हो जाएगी, ठीक है। और ये आम सी चीज है, अगर इसको आप मुसलसल माजू, और ये कोई महंगी चीज नहीं है, अगर इसको आप मुसलसल माल करेंगे, माजू एक ऐसी चीज है जो आपके माजी के है, जो आपके आने वाले आपके हाल में और माजी में भी आपको बिल्कुल दानों से पाक कर देगा। अच्छा माजू ऐसी चीज है कि माजी के जो भी आपके चेहरे पे निशानात है एकनी की वजह से उनको भी खत्म कर देगा। जबरदस्त, ये लोगों को प्रॉब्लम होती है इससे। अच्छा ये तो हो गई। अच्छा अगर बिल्कुल आप इससे भी लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है, नहीं ना, लेकिन मसे पे कहाँ लगाएंगे? नहीं मसे पे भी लगा सकती है। अच्छा। असल में पता है कि इसी माजू से एक चीज निकलती है जिसे कहा जाता है गैलिक, वो जो गैलिक होती है वो मसों को पाइल्स को खत्म करने में इस्तेमाल की जाए, ठीक है, तो ये इस्तेमाल कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं, एलर्जी तो नहीं होगी? नहीं किसी तरह की एलर्जी। पहली बार मैंने इसका नाम सुना और पहली बार मैंने ये जड़ी बूटी भी देखी,
और इसके इतने फवायदे हैं, वाकई कितने रब की और कौन कौन। देखिए हर्बल में बहुत सारी मैजिक चीजें हैं जिनके फौरी फौरी तौर पे असर है। बाज लोग कहते हैं कि हर्बल की दवाइयां हैं बहुत देर से असर करेंगी। अच्छा मैं कुछ कहूँ, मिसाल दूँ आपको कि जमाल घोटा भी एक हर्ब है, किसी को भी खिला दें लग पता जाएगा, पता लग जाएगा ना उसका। उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपना अमर रख दिया, उसने अपना रिजल्ट देना ही देना है। फौरन भंग है ना, भंग वो भी हर्ब है। सात सात पत्ते सबको पिला दे, थोड़ी देर के बाद सब नाचने लगेंगे अगर मारिया ने गाना गा दिया तो। ये भी हर्ब है। अच्छा सुने 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 सुने, बादशाह सलामत जान के मान पाऊँ तो ब्रेक ले लो, एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और ब्रेक के बाद में दिखाती हूँ, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले बादशाह सलामत भंग से बाद आप क्या बात करने लगे थे? हाँ मैं ये बता रहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं हर्बल में जिनके फौरी तौर पे फायदे हैं। जैसे चावल के दाने पे बात करने लगे थे। हाँ मैं ये कहने लगा था कि हाँ। मैंने भंग की मिसाल यूं दी कि वो सिर्फ इसीलिए नहीं दी थी, सुन ले ना मैंने भंग की मिसाल इसलिए नहीं दी कि भंग एक हर्ब है, लेकिन उसका देखे मोड ऑफ एक्शन ये है कि उसका फौरी तौर पे काम होता है। इसी तरह अगर हम कहते हैं ना किसी से कि आप आम की गुठली ले लें, उसका मगज़ निकाल लें, उसको तवे पे भून लें, किसी को डायरिया हो, हैजा हो, उल्टी हो रही हो, हिचकी हो रही हो, थोड़ा सा खिला दें, फौरी तौर पे बंद होगा तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला का अमर रखा गया है। अल्लाह ताला का अमर है। जैसे गाजर का जूस है आप पिला दें, जैसे आप खजूर भी खा लें तो फौरन इंस्टेंट एनर्जी। तो इनका ये अच्छा, मैं ये बताना चाह रही हूँ, मारिया ने भी बता दी कि जी कि अगर सर में अगर दर्द हो रहा हो तो दो खजूरें खा लें तो इंस्टेंटली। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है और आपका तब आपका सही होगा। ये ना हो ना कि ब्लड प्रेशर हाई और पटाखा बोल जाए। लो है तो उसमें आप दो दाने सिर्फ लौंग के, थोड़ी सी दालचीनी और एक इलायची बना के उसका, एक इलायची मिलाकर जोशांदा बना के उसका पिए सुबह शाम, उसी वक्त इंशाल्लाह। ये हमारी बहनों को जरूर करना चाहिए क्योंकि इतनी जो टेंशनें होती हैं कि बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चे स्कूल से आएंगे, बच्चों ने ट्यूशन पढ़नी है, कारी साहब आ गए, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे की स्कूल की टेंशन है, मियाँ टाइम पे घर नहीं आते, और सबसे बड़ी टेंशन जो खवातीन को होती है वो ये होती है कि आज पकाना क्या है, यही टेंशन होती ना क्या पूछती है। और इससे भाई पूरी बैठक घर में लग जाती है कि और जिससे क्या आज क्या बनाना है। अच्छा मम्मी को दिखा जी जी, ये देख लें जो है टॉपिक है ना वो इस तरह लगेगा, क्योंकि देखिए हमने अभी सही तरीके से पीस पीस जी जी ये जो हमने टॉपिक लगाया है टॉपिक है आज जो जगह खाली हुई इनकी, इतनी जगह खाली नहीं थी लेकिन क्योंकि इनके बाल जो है अलग कलर के तो टॉपिक नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, इस तरह करके लगा सही। अच्छा और जो हमने किस इस हाथ पे लगाया था, हमने इस हाथ पे लगाया था जी, अच्छा और उनका जी, और ये जो हमारी ऑडियंस है भी आप भी दिखाइए भाई, ये देखिए वाला हाथ आपने इस पे लगाया था, मैं चाहूंगी ये दिखाए नीचे वाले हाथ में लगाई थी। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फरा। अच्छा जी अब हमें डॉक्टर खुर्रम जी, क्या बता रहे हैं, पहले एक बड़ी अच्छी क्रीम बना देते हैं, सर्दियां भी आ रही हैं लेकिन आप चाहते हैं कि डल हो जाती है, गोरी बहुत हो जाए, अच्छी हो जाए, साफ सुथरी हो, ड्राई पैचेस इवन कि मेरे भी, क्योंकि शायद गर्म पानी से मुंह धोते हैं और फील नहीं करते तो उस पर ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं, ड्राई भी आ जाती है। ऐसे नहीं होता है कि आप पैची स्किन होती है, झाइयां बहुत सारी हो रही है, आंखों के हल्के एक टोनस स्किन आएगी, बड़ा गुलाबी रंगत आएगी, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है तो आज का गुलाबी ऐसी यही कहवाना चाहता, मतिया ने कह दिया अब क्या बात है, बस कोकाफ वाली, तो कोकाफ वाली चीजें डालूंगा इधर मैं, कोकाफ की परियों वाली चीजें आ रही हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो डॉक्टर खुर्रम की कुछ जैसी स्किन है ना तो आपकी भी ऐसी हो जाए, देखते तो पता है कितनी जबरदस्त स्किन है। अच्छा जी जी जी, अच्छा जी सबसे पहले हम डालेंगे जिसके अंदर गन्ने का रस, ठीक है, आधा कप गन्ने का रस, उसके अंदर डालेंगे हम जी अरके गुलाब, सही, ठीक है, तकरीबन 4 से 5 चमचे अरके गुलाब, गन्ने का रस, ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे केवड़ा 2 चमचे तकरीबन, केवड़ा, ठीक है, 2 चमचे,
जिसकी फ्रेग्रेंस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना? ठीक है, अच्छा डालेंगे तकरीबन 8 चमचे हम लोग डालेंगे चंदन। चंदन ठीक है, चंदन अभी आप चंदन 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 की बहन चंदन लकड़ी का चंदन की कैसी लड़कियां हैं मध्य, इनको पता नहीं चंदन ही करती। गाना इतना मशहूर पुराना गाना है चंदन सब। हाँ चंदन मैं गा नहीं सकती क्योंकि इंडियन गाना है। कितना डालना है? ये तकरीबन 8 चमचे चंदन। ठीक है, उसके अंदर डालेंगे जी ये आ गई ये लाल मिट्टी। ठीक है, काफी बड़ी कॉमन होती क्या है ये लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी वहीं से, ये वहीं से लाई, वहीं से आई है, बाजार में ये मध्य से रुजू कर रही है। समझ, सिर्फ ये समा से मिल सकती है, कोकाफ की मिट्टी है, इसे आप गुलाबी गुलाबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ डाली बिल्कुल, जिसको परी बनना है वो यहाँ आ सकते हैं, समा पे कांटेक्ट करें, मॉर्निंग शो रोजाना देखें। ठीक है, अगर आपने मजीद परी लगना है, क्योंकि हर खातून या तो लड़कियां ही हैं, औरत तो मैं किसी को नहीं कहूंगी क्योंकि औरत कोई नहीं होती, सिर्फ लड़की होती है। बिल्कुल जी, सही ना, सही कह रही हो ना, तालियों से बताइए। देखा, इसी खुशी में मैंने बलाई वाला दही डाल दिया तकरीबन 4 चमचे। ठीक है, कि बिल्कुल आपकी स्किन बिल्कुल बलाई की तरह हो जाए, बिल्कुल बड़ी कॉमेंट्री साथ चल रही है। ठीक है, ये देख रही हैं आप, अच्छा अभी आप देखती चल जाए इसके अंदर आने क्या वाली है, आप इसका एंड देखेंगे कि बनेगी क्या। अच्छा ये आगे थोड़ा दही डाल दिया, पूरा हमें खाना था, हमारी नजरें दही पर थी, खा सकती हैं। अच्छा देखिए, ये 4 चमचे डालेंगे बेसन। अच्छा पहले जमाने में लोग बेसन भी बहुत ज्यादा लगाया करते थे, बेसन मैंने बड़ा जैसे आज बिल्किस आपा ने भी जैसे आमला और रीठा इस्तेमाल किया था, तो पहले सुनने में भी आता था जैसे अम्मी बताती हैं और कि ये जी बाल इतने अच्छे थे क्योंकि आमला और रीठा में थोड़े से लंबे लंबे बाल थे। टाइम ही नहीं है, कितनी वैरायटी के आ गए हैं, टाइट करता है और पोर्स बनकर, ये डॉक्टर कहाँ से आई हुई है, बड़ी खतरनाक है ना, ये सवाल देख देख सीख लिया। अच्छा अच्छा ये तो अच्छी बात है, आप देखती है मेरा प्रोग्राम रोज देखा करें। अच्छा अच्छा, ये आगे 3 से 4 ड्रॉप हम निकाले लेमन जूस के। अच्छा एक क्रीम है मैं कोने में, कौन होने वाली है, ये वाले नहीं नहीं ये वाला, ये डाल बस, ये बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, ये एक क्रीम है हर जगह आराम से मिलेगी, इसके अंदर क्या है जस्ट ग्लो, इसके अंदर 5-6 चीजें हैं। ये आपने सुबह तस्वीर करते हुए गले में भी डाला है क्या आपने कहा मैं हाथ में का पहनूं, गले में डाल लिया, गले में डाल लिया मैंने इसको जाके। ठीक है, मैंने अभी नोट किया, अभी आपने नोटिस किया, मैंने अभी नोट किया, मैं खुद। अच्छा अभी किसी को क्रीम लगाएंगे तो आप देखे वो पूरा उनका चेहरा बिल्कुल पिंकिश इसके अंदर टेक्सचर आएगा। मैं क्रीम डालूंगा 1/2 ट्यूब। ठीक है, और ये क्रीम अभी फौरन तैयार है, किसी एक को लगाते बेसन दही। अब आप चीजें बताएं क्या क्या थी, बेसन दही लेमन लेमन के गुलाब, गन्ना से पहले उन्होंने डाला गन्ने का जूस, फिर उन्होंने अरके गुलाब डाला, फिर उन्होंने इसमें केवड़ा डाला, फिर उन्होंने जो लाल मिट्टी भी इसमें डाली, कोकाफ की जो मिट्टी लेकर आए थे। अच्छा जैसे अगर आप निकले मोटरवे से भी निकले और आप इस्लामाबाद जाएं तो आप देखेंगे वहाँ पे मिट्टी का जो रंग है शहर का वो डिफरेंट होता है, जैसे मुल्तानी मिट्टी जितनी मशहूर है और यहाँ की मिट्टी में बहुत ज्यादा फर्क है, यहाँ की मिट्टी बिल्कुल ही लगा लीजिए तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, लेकिन मुल्तानी मिट्टी इज गुड। क्या मेमोरी है आपसे भाई, देखें और एक क्या बात है। अच्छा ये आखिरी आ गया हमारा 1 चमच मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी तो हमारी मस्त है, जैसे बड़ी कोई अच्छी चीज बन रही है ना, स्किन के लिए अच्छी सारी चीज। आप इसको ब्लेंड करते हैं और क्रीम अभी आपके सामने तैयार है, देखिए कितना अच्छा इसका इसको बना के क्रीम तैयार है और बना के रखिए पूरा महीना, और इसको कितनी देर अच्छा। कितनी देर लगाएं इसको, ये आप लगाएं रोजाना नहाने से 1/2 घंटा पहले, और इसका टेक्सचर देखिए अभी जो बनेगी ना, सिंपल वॉश कर ले, सिंपल वॉश करें, सिंपल वॉश करें, क्योंकि आपको फेस वॉश दूंगा मैं, उसे वॉश करें। अच्छा डॉक्टर, बहुत सारी हमारी बहनें जो देख रही हैं और बहुत सारी माएं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बच्चियों की शादी इंशाल्लाह अगले महीने और आगे आ रही है, तो वो इसकी फिर एप्लीकेशन हफ्ते में किस तरह से करें, खोल के जी खोल के, हो गया सही हो गया तकरीबन हो गया बिल्कुल ना, बस ये आखिरी इसको फेंटा दे देते हैं। ठीक है, हमें भी परेशान हो रहे, हो गया अभी, हाँ हो गया, ये देखा, ओहो मेरा हाथ लगा, ओए होए आपका हाथ लगने की देर, ठीक है ये क्रीम पूरी तैयार, आपका दस्ते मुबारक, दस्ते मुबारक, यही रुक गया मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, ये क्रीम का टेक्सचर रुक जाए। वेलकम बैक,
आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम जो उन्होंने क्रीम बनाई थी वो तैयार हो चुकी है और क्रीम में शक्ल देखिए, कैमरे से देखिए। अच्छा ये मीठा खुशबूदार नुस्खा है क्योंकि इसमें पहले गन्ने का रस डालेंगे, बाद में अरके गुलाब डालेंगे। शक्ल देखिए आप, शक्ल तो अच्छी है ना, बहुत अच्छी क्रीम। देखिए अब इसको टेक्सचर निकालते हैं, ये क्रीम आपके सामने निकलेगी। बस ये हम ध्यान रखेंगे, नजर लग गई किसी की, सबकी नजर लगी है कुरम, अच्छी नजर, प्यार की नजर थी ना। अच्छा ये किसी के चारे लगाए चेहरे पे ना, आ जाइए आपसे तो सभी लगवा है ना कोई लगाना आपको ये आज हाँ। ये आपको लगानी है, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए ओहो आइए आइए आइए, इसके पूरे चेहरे पे लगाएं, आ जाए आप प्लीज, आप कौन कौन हेल्प करेगा जी, आज आरोहा अरोहा ले लो, प्याला ले लो, बिस्मिल्लाह। बड़ी जबरदस्ती क्रीम है, बड़ी जबरदस्ती क्रीम है, तब तक इनको लग रही है ये, आगे आ जाइए ठीक है। और आए शेफ परा, आप और मैं धूप में अपना रंग साड़े चले, हम चाहे काले भी हो जाए, हमें टेंशन नहीं है, टेंशन क्योंकि नहीं। हमारे साथ हमारे हकीम साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, धूप में लड़कियां और ज्यादा हसीन लगती हैं, आप लोगों को नजर तो आ ही रहा होगा कि हम ओए होए लाइट आती है ना, लाइट आती है, क्या मतलब लाइट आती है, लाइट पड़ रही होती ना, जैसे आप लाइटें डलवाते हैं। अच्छा मैं जरा डॉक्टर मिल्कीज के साथ आ जाती हूं, चूल्हा को चेक कर दे, चूल्हा बिल्कुल जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, चूल्हा बिल्कुल जल रहा है, प्लस कर दे, प्लस प्लस कर दो, आया हां दो माइनस कर दे, साढ़े ग्यारह तक यही होता है, अब प्लस हो गया ना जी, हाँ हो गया। अच्छा जी अब एक बड़ा अच्छा तेल बना रहे जो आपके बालों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए और आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत सारी खवातीन का शुरू होता है फंगल इन्फेक्शन का, फंगल इन्फेक्शन में आप कोई तेल ही लगा सकते हैं तो ये फंगस को भी खत्म करेगी, खुश्की को खत्म करेगी और बाल बड़े आपके हेल्दी होंगे। देखिए सबसे पहले आप लेंगे जी इसके अंदर, जल गया चूल्हे की डॉक्टर ने चेक किया अभी चूल्हे की डॉक्टर जरूर लेना, चूल्हे की डॉक्टर, चूल्हे की डॉक्टर ये इनडायरेक्टली आपको कह रहे हैं कि आप लगा आग लगाने आग लगाने वाली है आग लगा के अगर फायदा होता है मेरी बहनों को तो मुझे आग लगाना भी कबूल है। ओए होए इस आग पे हम तेल डालने के लिए आ गए, ये देखिए जल्दी पे तेल, ये देखिए धोन तिली का तेल कितना ऊंच, इसको नीचे नहीं डाल सकते, ऊंचा डालना जरूरी है, देखा है ना धोन तिली का तेल, ठीक है अच्छा ये किस चीज से तेल, किस चीज से बना होता है, ये तिली का तेल है, तिली का तेल है ठीक है। अच्छा जी ये देखिए, अच्छा इसके अंदर आ जाएगा, ये आ गया जी नारियल का तेल, ठीक है तिली का तेल जितना लिया उतना ही नारियल का तेल लिया। अच्छा उसकी 1/3 क्वांटिटी में हम तीन तेल और लेंगे जी, वो होगा जी मीठे बादाम का तेल, मीठे बादाम का तेल, ये आ गया इसके अंदर कैस्टर ऑयल, ये तो मैं लेके जा रही हूं, ये आप देखिए ना तेल है ना, और ये एंड में आ गया बड़ा जबरदस्त सा बहुत सारा तेल बनेगा अभी, और ये आ गया जैतून का तेल, ये पांच तेल है इसके अंदर, इसमें हमने बादाम का तेल डाला, जैतून का तेल डाला, कैस्टर ऑयल हमारे पास था और तिली का तेल था, और सबसे पहले हमने क्या डाला था थोड़ा सा मुश्किल नाम, ये था धोन तिली, तिल का तेल, धोन तिली ठीक है। अच्छा जी इसके अंदर हम डालेंगे एक मुट्ठी भर के, ये आ गई कलौंजी, जबरदस्त ये कलौंजी, कलौंजी तो बहुत फायदेमंद, बहुत जबरदस्त एक मुट्ठी आ गई जी, बस आपकी लहराती हुई जुल्फें अब दूर नहीं है, अब आपका मुंतजर है ठीक है। एक मुट्ठी आ गई जी ये जो तेल जो डॉक्टर साहब का जो तेल यूज करते हैं ये एग्जैक्टली वही तेल, बिल्कुल क्योंकि जब मैंने चीजें देखी कि जो चीजें डल रही हैं वो इनकी बॉटल में आपको नीचे से भी नजर आएंगे, इनकी बॉटल यहाँ बॉटल यहाँ मौजूद देखिए, अरे बॉटल तेल वाली बॉटल अभी आपकी बॉटल अभी आपने कहीं रखी थी ना, बॉटल देखो कहाँ है, सही वो इनकी तेल वाली बॉटल जो है वो निकल गई है, चली निकल गई, सारी निकल गई, अरे वाह कैसे निकली पता नहीं चल रहा, डिमांड में थी, डिमांड में थी, अब इंशाल्लाह भरोसे को दिखाएंगे, सही सही। अच्छा जी ये आ गई थोड़ी सी काली मिर्च जी जी, ब्लैक पेपर ठीक है ठीक है, ये देखिए इसके अंदर नहीं नहीं ये बाल आपके उगाएगी जहाँ पे आपके बाल गायब हो रहे हैं, पता नहीं होता। अच्छा ये बेसन बड़ी जबरदस्त चीज है, एक छोटा चम्मच बेसन से बाल भी धोते हैं लोग ना, एक चम्मच तकरीबन हम डालेंगे, मारिया आपको बताना चाह रहे हैं कि दो छुरी की नोके, दो छुरी की नोके ठीक है, यानी कि वो बताना चाह रहे हैं 1/4 ये दो छुरी की नोके बीच में न टोके,
बिल्कुल बादशाह सलामत की क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा आपका काम आधा करता है। अच्छा ये तो देखिए एक तेल बिल्कुल तैयार हो गया है बालों के लिए ना। जी जी। अब बिल्कुल बालों के लिए ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा इसके अंदर मैं एक क्रीम डालूंगा जिसके अगर इसके इस्तेमाल से आपको बालों का कोई नुकसान नहीं होगा, मगर होगा क्या कि अगर बालों में आपके जुएं आ रही होती है, सिकड़ी हो रही होती है, फोड़े आ रहे होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं मेरे बालों के अंदर खुश्की के लिए भी बालों के अंदर दाने होते हैं और बॉडी के दर्द होते हैं, बॉडी के दर्द बहुत हो जाती है। ठीक है जल्दी से बताएंगे क्योंकि इसके अंदर देखिए पपीता है, पपीता चाइना रोज है और एलोवेरा है। ठीक है और ये बड़ी इसकी खुशबू जरा सूंगे एक सेकंड में, यहाँ सूंगे बिल्कुल ठंडी खट्टी मीठी है ना, ये सूंघने में टाइम चला जाएगा मुझे। हाँ जल्दी जल्दी ये देखे और ये देखिए कलर देखिए इसका यार तालियां तो बजाएं जबरदस्त। ये और ये अंदर चीज होगी और ये खूब पकाएं, तेल की खूब मालिश करें। ये आप रोज लगाएं गंजेपन के लिए, नहीं पकाना कितनी देर, पकाना जब तक उबाल आ जाए। अच्छा सही ठीक है। चले जी इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, हकीम साहब ने डॉक्टर कोरन ने आके बालों के और साथ में हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस ने भी आज बताया कि किस तरह से हम घर में बाल डाई कर सकते हैं और टॉपिक बनाने का तुमने इतना आसान तरीका बताया कि मुझे रट के जिसको नहीं रटा वो प्लीज मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आरोहा, थैंक यू सो मच मारिया आपका और मारिया आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। डॉक्टर बिल्किस हमारी, डॉक्टर बिल्किस की टीम शेफ फरा, बादशाह सलामत और डॉक्टर खुरम, और सबसे ज्यादा शुक्रिया इसलिए क्योंकि टाइम पर आया आज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए आबाद रहिए, इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।